वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमने एक सवाल थ्रो किया था, तो उसी का जवाब हम जानेंगे। हुकूमत और अपोजिशन में बढ़ती हुई कशीदगी से मौशी हालत में मजीद बिगड़ने का अंदेशा है या इसको संभालने का भी कोई बंदोबस्त किया गया है, तो इस पर इनका तज्जिया लेंगे। जी सर, क्या कहेंगे? देखें, बात उसी से इंटरलिंक्ड है। वेलकम। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप डेमोक्रेसी में जब हिज्ब इख्तलाफ में आप बैठते हैं तो आप ज़हनी तौर पे किस तरह से तैयार होते हैं। आपने इमरान खान को पहले तो मुबारकबाद किस बात की दी थी, उसके बाद आपने कहा कि चंद रिजर्वेशन के साथ हम इस इलेक्शन के रिजल्ट को कबूल करते हैं। बिल्कुल भाई, वो रिजर्वेशन आप अपनी जगह पर रखें। वो रिजर्वेशन यही थी कि आप ट्रिब्यूनल्स में गए, कोर्टों में जाते हैं, लेकिन फिर आपने कहा कि नहीं जी, हमें एक्सेप्ट है इमरान खान। जब आप किसी को एज ए पीएम, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान कबूल कर लेते हैं, तो फिर आपका फ़र्ज बनता है कि आप 5 साल के लिए बैठने आए हैं अपोजिशन की बेंच पर। अपोजिशन बेंच क्या है कि तनकीद करने वाली होगी, लेकिन सब्र के साथ अपनी सीट पर 5 साल इंतज़ार करेगी। अगर वही बैठकर अपोजिशन हल्ला गुल्ला डालने लग जाएगी तो उसका नतीजा क्या होगा? मैंने कहा ना कि चंद गलतियां हमारी हुक्मरानों की तरफ से भी होती हैं, जो सेकंड टीयर्स ऑफ जो गवर्नमेंट है, कि वो मैंने कहा ना कि अनरिलेटेड जो बात है जिसका ताल्लुक ही नहीं है उसको उस वक्त फेंक कर और हल्ला गुल्ला कर देते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप पार्लियामेंट इस तरीके से तो नहीं चलाएंगे आप। सही बात। आगे आने वाले जो 4 साल और 2 महीने हैं वो क्या पार्लियामेंट इसी तरीके से चलेगी? या अगर आप में जरूरत है, आप पे हिम्मत है, आप इजलास पर इजलास करते हैं, तो इस वक्त तक तो आपको 5-7 बंदे तोड़ लेने चाहिए थे इमरान खान के। अगर आप इमरान खान को 170 पर ले आते हैं तो गवर्नमेंट तो नहीं रहेगी ना। मोहतरमा बेनजीर साहिबा के दौर में जो उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक चली थी, वो तहरीक आई नहीं थी, किसी ने रोका था क्या? लेकिन वो नाकाम हो गई थी। आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस से जो कुछ करना चाहते हैं इस मुल्क में आप करें, लेकिन मैंने कहा ना, नॉन डेमोक्रेटिक वे से अगर आप जाएंगे तो इससे इंतशार फैलेगा, और इंतजार में किसी के पल्ले कुछ नहीं मिलेगा, कुछ पड़ेगा। और क्योंकि चीफ जस्टिसेस ऑफ पाकिस्तान कह चुके हैं कि आप एक बैठे सारे बैठकर आपस में निगोशिएशंस करें, लेकिन इसके साथ साथ जो प्रोसेस है एहतसाब का वो तो चलेगा ना। यानी 1 महीने तक एमनेस्टी टैक्स, एमनेस्टी स्कीम का कोई रिस्पॉन्स नहीं था। पिछले 4-5 दिन से लाइनें लगी हुई हैं, यानी इसका मतलब हम डिफॉल्टर थे ना। इसमें मेरे भाई भी अगर फाइलर्स बने हैं और उन्हें अपने ऐसे डिक्लेयर किए हैं, तो क्या मैंने उन्हें डराया नहीं होगा? क्या मैंने अपने बच्चों को डराया नहीं होगा? मेरे रिलेटिव्स, मेरे रिश्तेदार, मेरे खानदान वाले। तो बेसिक ये है कि जब कौम की बात आती है, मुल्क की बात होती है, तो उससे इंसान अपने घर से ऊपर उठकर सोचता है। सही बात है। क्योंकि मेरे मरने के बाद यही मस्कन होगा मेरे बच्चों का, उनके बच्चों का, उनके आने वाले बच्चों का। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ये मुल्क डिफॉल्ट कर जाता है तो फिर हम कहाँ जाएंगे? मैं तो इस मुल्क की बका, इसकी जंग इसलिए लड़ रहा हूँ कि भाई हमारी आने वाली नस्लों ने यहाँ पे रहना है, और अगर उन नस्लों के लिए हम एक बेहतरीन घर छोड़ के जाएंगे तो खुशी से रहेंगे, वरना तबाह करके दे जाए। जिन्होंने पैसे लॉन्ड्रिंग करके बाहर भेजे हुए हैं, उनका तो ये मुल्क ही नहीं था ना। तभी तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम बाहर जाके रहेंगे, हमारे लिए कोई मसला है लोअर मिडिल क्लास का, गरीब तबके का, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब तबके का, वो कहते हैं कि हम कहाँ जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, हुकूमत वुजरा में इजाफा करती जा रही है, जबकि हुकूमत चूचू का मुरब्बा बनी हुई दिखाई दे रही है। छोटी छोटी पार्टियां इसलिए तो कहीं ब्लैकमेल नहीं करती? नहीं, ये चीजें इमरान खान साहब के लिए, खुद के लिए, पीएम साहब के लिए बचना चाहिए उन्हें। देखिए ना, टेक स्टर्न एक्शन, के जो आप वादे करके आए, अगर आप उससे हटेंगे, डीरेल होंगे, अपोजिशन को आप पावरफुल कर रहे हैं। आप उन लफ्जों को देखो, पहले भी मीडिया घुमा के उन्हें कह रहा है कि जी मैं खुदकशी कर लूंगा, लेकिन आइए आप खुदारा जो कुछ बोल चुके हैं उस पर जितना हो सकता है अमल करें, वरना अपनी स्पीचेस निकाल कर खुद देखें कि मैं क्या बोल चुका हूँ, ठीक है ना? और अगर उससे मैं डिरेल करूंगा या डेविएट करूंगा तो उसके नतायज जो होंगे वो मेरे लिए बेहतर नहीं होंगे। सही। अच्छा सर, प्रोग्राम का जो वक्त है बहुत शॉर्ट रह गया, तो लास्ट में क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा कि सब अपना अपना फर्ज पूरा करें और कोशिश करें
कि अगर जिन पे थोड़े से बुरे दिन हैं वो भी इन्हें सब्र के साथ गुजारें, और जिन पर अच्छे दिन हैं वो आने वाले बुरे दिनों से बचने के लिए अपनी कारकर्दगी में बेहतरीन इजाफा करें। उसको मैं एक शेर के अंदर समेट देता हूँ आखिर के अंदर, कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरी बहर की मौजों में इज्तराब नहीं है। इस तरह आप पैदा करें अपने अंदर इस मुल्क के लिए कि यार अगर अगर इमरान खान साहब को ये वक्त मिला है तो इन्हें पूरा करने दें, आप फिर आ जाएंगे अगर इमरान खान फेल हो गए तो, ये 2-3 साल गुजार लें, कोई मसला बिल्कुल नहीं। सबर का दामन जो है हाथ से हरगिज ना जाने दें और थोड़ा सा सबर रखें, इंशाल्लाह हालात जो है बेहतरी की जानिब जरूर गामजन होंगे। इसी के साथ ही प्रोग्राम जो है अपने अख्तिताम को पहुँचा, अपनी होस्ट कौकब फारूकी को इजाजत दीजिए अल्लाह ने के बाद।